अच्छा मदन भाई, हमार तो बचपन गांव में बीतल हो। अच्छा, हम प्राइमरी में पढ़े हैं, आप शहर में पढ़े हैं। हाँ, मुंबई। अरे प्राइमरी गांव वाले स्कूल के और शहर के स्कूल बताओ। तरी मजेदार गांव वाले के पहले आप ही बताओ ना। हम तो का करी ना, पटरी रहे। हाँ, पटरी। हाँ, पटरी पे पहले तो बैटरी फोड़ी, बैटरी। हाँ, हाँ। करियवा निकाल के पहले रगड़ी करिए करवी ना। हाँ, एक बात सीसी लेके ना ऊपर घोटारी, उसको घोटारी बोलते हैं। फिर जब चमके तो धागा ली। हाँ, धागा को दुद्धी में। हाँ, खड़िया में। हाँ, भिगो करके फिर उस पर पाई बनाते थे। वाह वाह वाह। अब फिर वो नरकट। हाँ, नरकट वाला के कलम से पत्ती से गढ़ के। हाँ, फिर लिखते थे क ख ग। और मजा तब आवे कि जब दुद्धी जवान हो ना, वो थोड़ा वो नहीं रहता था, क्या बोलते हैं, चटक नहीं रहता था, तो उसमें वो जो नरकट वाला कलमिया रहे मन डाल के, तलबा का पनिया पोखरवा में जाए, सबका बुद्धि हमारे में आवे, तलबा का पनिया पोखरवा में जाए। तो वो दूसरा आदमी रहे तो उसकी तरफ देख रहे लड़के का। हाँ, उसका अच्छा तो अपन साला सीसी रख ले जेब में कि जैसे सही में सारे का आयात हो अमन। तब वो कही बेटा जा अब रुका, तलबा का पनिया पोखरवा में जाए, पप्पू की बुद्धि हमारे में आवे। तो पप्पू पहुंच जाए हेडमास्टर साहब के यहाँ, कहे कि बाबू साहब पहाड़ी हमार कुल दुद्धी ले लेते। अब बाबू साहब पता थोड़ा हो लगा हुए कि कहाँ दुद्धी लिया कहाँ नहीं लिया, डंडा मंगावे चुतरे में 7-8 डंडा, छुटकुनी छुटकुनी। अब ये है मुंबई में का हो। मुंबई में तो हमें मतलब जितना मुझे पहला वाला जो याद है, पहला दिन मुझे याद है कि मम्मी जब लेके गए हाथ पकड़, चलो 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 चलो, तो गई तो सब नया था, तो एक खजोटिया मिस थी, खजोटिया बूढ़ी सी थी इधर, खजोटिया खजोटिया गुजराती थी और ऑलरेडी वो 60 के आसपास ही रहेंगी, तो एकदम पतली सी और कुबड़ निकला हुआ, तो बोले कि नहीं नहीं आप जाओ चलो हम देख लेंगे चलो, और इसे लेके अंदर आई, तो मैं सब बच्चे देख रहे थे पहले दिन वैसे, और मैं बोले नहीं मम्मी माइक लेके जाओ माइक, ऐसे चालू था ऐसे, तो इस चुटकुनी मारी, उसके बाद पूरा क्लास खत्म होने के बाद ही आवाज निकली। हमारे यहाँ तो पंडित जी फुलपट्टी, सॉरी सुटकुनी फुलपट्टी, हमारे यहाँ पंडित जी रहे। अब पंडित जी एक दिन हमके गिराक मारे, इतना मारे कि घर से शिकायत पहुंच गई, तो बाद में पोल खुला कि क्यों मारे, तो मैं गाना गा रहा था कि पंडित जी पंडोल डोल और डॉट डॉट दिखाओ खोल खोल। हाँ, पैसा मांगे गोल गोल, बहुत शैतान थे, और खोल खोल दिखाओ गोल गोल साला। अब भैया पंडित जी, अच्छा क्लास का भी क्या मजा होता था। हाँ, अचानक किसी बात पे हंसी आने लगे तो रुक नहीं पाती थे सिर्फ कुछ भी, हमके तो बाबू साहब कह दिए थे। हाँ, कि ये साला जितना खतरनाक बदमाश है नाटिया, हमको भोटिया कहे, कह नहीं ये भोटिया है, और गाँव वाले को हमके पहाड़ी कहे। अच्छा पहाड़ी, कहे नहीं नेपाली है साहब, कहे नहीं ये जितना चंट है ये पढ़वर नहीं पाएगा। और भाई साहब वही हुआ कि हाई स्कूल में जब मैं पहुंचा तो 5 विषय में फेल हुआ। 6 विषय होता है ना। वाह, 6 विषय में 5 विषय में हम फेल रहे नहीं भैया, इसी के लिए इतना नाम किया। इसके बाद दूसरे साल जब एग्जाम शुरू हुआ तो मैं मौनी बाबा हमारे गुरु जी रहे तो उनका भभूत ले जाता था। मौनी बाबा बोलते नहीं थे मौनी बाबा? हाँ, मौनी बाबा हमारे गुरु थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे, तो उनका भभूत मैं लेके जाता था जेब में रख के, जब पेपर आ तो उसमें से एक चिटकी निकाल के ओम जय मौनी बाबा की जय मौनी, और पढ़ी लिखी कुछ ना, और हमको क्यों बता दे रहा कि 100% मेरी, तू चाहे 3rd डिवीजन पास हुआ लेकिन पास हुआ मौनी बाबा की वजह से। उस साल तू भी सब फेल हो गए नहीं भैया। अरे बाप रे बाप। एक बात ये हुआ कि अब तो मौनी बाबा बना पास करा पाए, और पहली बार अब फेल हो गए, अब तीसर का लास्ट है, अब प्राइवेट अब का हो के, तो वो घड़ी हम जुआड़ भले नहीं, हम कहे अभी नकल करब, खैर ट्यूशनों से खूब लगाओ नहीं लेकिन गणित का डर रहा है हमारे, लेकिन वो घड़ी पास बहनी भैया 2nd क्लास, लेकिन गणित में 3 नंबर हमें ग्रेस मार्क मिल रहे। अच्छा, तब जाके हम पास बहनी है, वो है एक एग्जाम पास कहला के बाद, जब हाई स्कूल पास बहनी तो हमको ये लागल के साला हम PhD कर लेनी। तो भैया और यहाँ मुंबई में नकल वकल होता है कि ना? मुंबई में होता था, मुझे याद है 1st से लेके 3rd तक एक मेरा दोस्त था। अच्छा, एक छोड़ा। हाँ, मुंबई में गर्लफ्रेंड कब करी उम्र मना ले रहा? नहीं, गर्लफ्रेंड तो ऐसा रहा कि 10वीं तक तो भाई बहुत सीधे साधे थे,
ग्यारहवीं तक इनफैक्ट, पर साथ में लड़की लड़के पढ़ते थे ना। हाँ साथ में पढ़ते थे। हमारे लोगों की यहाँ लड़की लड़कियाँ ना अलगे अलगे रहे। अलगे अलगे रहे हम लोग, लड़की तरह देखो दे ही तो। हाँ लेकिन अलग अलग हमने फीमेल अलग बैठी थी। और लड़कियाँ कह दे जाएगी कि माशा साहब बहुत दहजरक नाती है, ताकत है। दहजरक नाती, वाह वाह भाई साहब, ढांचा मंगाए के। अच्छा एक टीचर के मारने के स्टाइल की बात करते हैं, क्या एक से एक टीचर थे। एक आते थे काले, कुछ बोलने के नहीं, बोलने केरला वाले थे एकदम, कुछ बोलने का नहीं, बोलने का नहीं करके, और ऐसे पतली सी सोटी रखते थे और पीछे लेके चलते थे, इसे देखते थे जिसको मारना था टारगेट कर लेते थे, चलो अच्छा मनोज जी को मारना, मनोज मनोज मारना वहाँ पर करके पीछे से क्या क्या करे साट करके मार, सर 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 बोलने के नहीं, बोलने के नहीं, बोलने के नहीं। हमारे यहाँ पंडित जी ने है, पंडित जी बोले नाक में, अगर तुम लोगों को पास होना है तो पीछे से हम बोल दे पांच पांच सौ रुपए सर के यहाँ पहुंचा दो। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? ये पक्का साला भोटिया बोला होगा। भोटिया नया नाम तुम्हें सर, आप तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, हम ही सब करते हैं, तुम ही साले कर सकते हो। खिक्खी खिक्खी मत करो साले, एग्जाम नजदीक आ रहा है, फेल होंगे तुम पक्का। और एग्जाम में उनका रनिंग गार्ड थे वो, तो उनसे बोला प्रिंसिपल साहब ने कहा कि पंडित जी आप रूम नंबर 15 में गाड़ी कर दीजिए, उधर जाकर रुक जाइए। बोले हम रूम नंबर 15 में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले उधर साला नहर का किनारा पड़ता है, सब रुक्की थमाते हैं अंदर से। कल तो बहुत विपत्ति हो गई, एक लड़का रुक्की डाल रहा था तो अंदर वाला लड़का बोला अले साले अले साले मत दो मत दो, साधु जी देख रहे हैं। तो वो साला कहता तुम लो साधु जी लाल तातेंगे। तो हम गाली खाने के लिए वहां नहीं जाए। एक बार मेरी शिकायत कर दिया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने शिकायत कर दिया कि एक्चुअली मैं दूसरे कॉलेज में एक ही साल के लिए पढ़ने गया था, एक खंडोरा का कहानी है, इलाहाबाद में था। नहीं नहीं इंटर कॉलेज का बता रहा हूँ। तो हमारी शिकायत कर दिया प्रिंसिपल साहब के पास, तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि तुम साधु जी को उल्टा पुल्टा बोले हो। मैंने कहा नहीं, जाओ उनके घर में सॉरी बोलो। अब मैं उनके घर पहुंच गया शाम को, तो उनके घर में उनकी पत्नी उनकी बेटी, हाँ, तो मैंने कहा सर प्रणाम सर, क्या बात है, रात को घर पे क्यों आए हो? मैंने कहा सर मैंने कुछ आपको गाली नहीं दिया था सर, मैं बस ऐसे गलत लोगों ने बोला। अरे भाई तो इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ क्यों चले आए, इस कॉलेज में ही मिलने होते। तब तक उनकी बेटी चाय लेकर आई, चाय लेकर आई, तुम देखें हम उसकी तरफ देख दिए। तो साधु जी कहते हैं चलो चलो चाय रखो, तुम जाओ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम मतलब जाओ। समझ गए ये साले, अरे बाप रे, ये कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा। एक हमारी टीचर थी मार्टिन मिस, मार्टिन मिस पता नहीं, मार्टिन गंज मार्टिन मिस थी, मार्टिन वर्गीस का नाम था, याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, बड़ी हमेशा उनका पारा गर्म ही रहता था जब भी आती थी। बड़ी स्वाइन पिग्स, नया नया वर्ड हम लोग को पता चला, स्वाइन मतलब सुअर, अच्छा पिग, सब सब पता चलता था। हमेशा हमेशा उनका गाली रहती थी, और उसमें इतने मस्ती खोर थे हमारे, फिफ्थ या सिक्स की बात है, सारे अब सवेरा आते हैं बच्चे लोग, इतने खतरनाक दिमाग, मतलब कमीना भी कह सकते हैं, दुष्ट होते हैं, मतलब एकदम पता चलता ना ये आके भी डांटने वाली है तो, और डांटने के इंतज़ाम पहले से किए रहते हैं। आए तो सब कैश, कोई पास करते रहा, कोई कुछ करते रहा, आके स्मेलिंग लाइक यू ब्लडी स्वाइन पिग्स ऐसे बोलती, जहाँ उनको पता चलता था हो यू कम यार, तो बोले यस मैम, डर के जाओ, शो मी योर नकल्स। तो शुरू शुरू में पता नहीं नकल्स मतलब ऐसे हाथ ऐसे करो, फिर वो खड़ी फुल पट्टी से चार फिक्स था उनका, टाक टाक, अरे बाप रे, ऐसा ऐसा पिराता था, ऐसा दुखता था। तो अरे पादे से एक बात ख्याल आया, हमारे स्कूल में एक थे हमारे मास्टर साहब, उनको क्या मेमोरी है, उनको खुन खुन बोलते थे हम लोग, खुन 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 से बोलते थे, कैसे करें पढ़ते पढ़ते। तो एक दिन मैं सेंट लगा के चला गया, खुशबू कौन लगाया है, खुशबू लगा के आ रहा है साला, मुझे एलर्जी है। अच्छा तीन चार दिन बाद पता नहीं कौन रूम उसी रूम में ठुस पा दिया। हाँ थोड़ी देर के बाद जब गैस हुआ थी, कुछ देर तो ये बर्दाश्त की, फिर कहते हैं सालो तुम लोग सब सड़ गए, पूरा रूम ही सड़ गया है, तुम सब लोग पा ही लो पहले और निकल गए। तो हमारे क्लास का लौंडा कहता है यार अजीब टीचर है, खुशबू रखो उससे भी एलर्जी है, पास दो उससे भी एलर्जी है। अरे बाप रे बाप।